नमस्कार। नमस्कार। मैं यहाँ पर ओमेगा कंपनी में यहाँ के जीएम श्री परवेश जी उनके साथ बैठा हूँ। परवेश जी, मैं एक तो आपको बधाई दूंगा। थैंक यू। कुछ थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो परवेश जी, आप एक तो ये बताएं, जो कोविड काल में जी कोविड काल में कंपनी का किस तरह का कार्य रहा, आप जरा बताएं। कोविड काल में हमने लगभग सभी नियमों का पालन किया और उन नियमों के तहत ही हमने अपनी प्रोडक्शन जारी रखा। और जैसा जैसा सरकार ने बताया कि आप 50% लोगों के साथ ही करेंगे, इसके साथ साथ हमने जो, या मेरे चेयरमैन ने जो एक सबसे बड़ा कार्य किया, उन्होंने किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया। अपने परिवार की तरह उन्होंने हमें सबको रखा है, ये मैं दिल से आभारी हूँ अपने मालिक का। शासन प्रशासन की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, उनका किस तरह का सहयोग रहा? नहीं, शासन का पूरा सपोर्ट रहा। समय समय पर हमारे जो शासन के प्रतिनिधि थे, उन्होंने समय समय पर आकर हमें गाइडलाइन दी, हमें चेक किया, जहां हम गलत थे हमें समझाया, और उनका बहुत सहयोग रहा हमें संभाल के रखने में। एक परवेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, ये क्या क्या दवाई बना रही है और ये किस तरह से हमारे देश के जनता के लिए किस तरह से लाभकारी है जी, आप जरा करता ये बताने का कष्ट। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, जिससे आम जनता को पता लगना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। खासतौर पे हम लोग जो है, हम जेनरिक मेडिसिन में डील करते हैं। जेनरिक, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जेनरिक सेम चीज़ है जो पेटेंट की है, जो आप 1000-1200 की दवाई बाजार से लेते हैं, वो 100-200 की जेनरिक में मिल जाएगी। सॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं। तो हम लोग कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट सब में डील करते हैं, इंजेक्शन छोड़ के। तो मेरी आम जनता से यही अपील है कि जब भी मेडिकल स्टोर जाएं, कोशिश करें कि जेनरिक मेडिसिन का ही यूज़ करें, ताकि वो हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए उन सभी नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, और इसी के साथ अपनी पूजा अर्चना करें। धन्यवाद।